भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विगत दिनों प्रखंड मत्स्य जीवी सहयोगी समितियों के कई मंत्री एवं अध्यक्ष जिसे मिलने आए थे और उनको प्रतिवेदन दिया था कि इन समितियों में आम तौर पर दो पद होते हैं जिनमें एक अध्यक्ष होता है और एक मंत्री के रूप में कार्य करते हैं। जैसे कि पूर्व मंत्री मुकेश साहनी के द्वारा 15 मार्च 2022 को अपने विभागीय बैठक में उपायुक्त दो पदों में से सिर्फ एक अध्यक्ष को बनाए रखने की अनुशंसा किया और निर्वाचित प्रधानमंत्री के स्थान पर पदेन प्रबंधक जो बिहार सरकार का एक पदाधिकारी होगा उसे स्थान देने की अनुशंसा भी किया है। यह एक गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था साबित होगा जो इन समितियों के अधिकारों एवं मत्स्य पालन से जुड़े समाज को नुकसान पहुंचाएगी और इस क्षेत्र में भी लाल फीताशाही को बढ़ावा देगी। मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल माननीय उप मुख्यमंत्री सह पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री श्री तार किशोर प्रसाद जी के निवास पर गए थे। वहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी जी भी मौजूद थी और माननीय मंत्री नितिन नवीन जी भी मौजूद थे। सभी मछुआ सोसाइटी के मंत्रियों ने अपनी बातों को रखा और उन्होंने तीन मुख्य मांगें रखी। पहला कि सोसाइटी का अधिकार केवल परंपरागत मछुओं तक रहे और इसके लिए ऑनलाइन में जो फ्री रजिस्ट्रेशन चल रहा है कि कोई दिल्ली में भी व्यापार करता है अगर उसके पास आधार कार्ड किसी गांव का है तो उस गांव में सदस्य बन सकता है, इसको रोका जाए। दूसरा, चुनाव मंत्री और अध्यक्ष पद दोनों का होना चाहिए। और तीसरा, जो एक प्रबंधक के रूप में बैठाया गया है मछुआ सोसाइटी में सरकारी कर्मचारी को, इसको खत्म होना चाहिए। शराबबंदी संशोधन कानून को संजय जायसवाल ने कहा कि यह कानून अच्छा है। पहले जो कानून था उसमें काफी मासूम लोग इसके चपेट में आ गए थे, अब इस कानून का दूरगामी असर जल्द ही देखने को मिलेगा। आदतन शराब का सेवन करने वालों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वहीं बिहार में कानून व्यवस्था के लचर के मामले पर संजय जायसवाल ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। जुर्माना लगाकर छोड़ने से एक तरह से ये भी संदेश गया है कि पीने वालों पर अब कोई ऐसी बात नहीं है। सभी पर सख्त कार्रवाई होगी। पहली बार में ही इस तरह के जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन जो आदतन है उनके खिलाफ सरकार की कार्रवाई बिल्कुल साफ। वहीं उन्होंने MLC चुनाव को लेकर कहा कि हमारा गठबंधन 24 सीट पर जीतने जा रही है। NDA समग्र रूप से सभी सीटें जीतेगी, एक दो सीट इधर उधर हो सकता है इत्तेफाक से, लेकिन MLC जनप्रतिनिधियों का चुनाव है और जनप्रतिनिधियों को अधिकार केवल वर्तमान में जो NDA का शासन है 2005 में इसी ने दिया था और उस बात को हर व्यक्ति याद रखता है और इसीलिए इसमें सभी सीटों पर हमारी सफलता मिलेगी। DNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।